डेंगू ने एक फुटबॉल खिलाड़ी की जान ले ली है। बनारस की रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर पूनम चौहान का कल रात 8:30 बजे बनारस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। पूनम पिछले हफ्ते से बीमार थी। सोमवार को तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर वालों के मुताबिक मंगलवार को अचानक उनके प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगे, जिसके बाद उनकी जान चली गई। पूनम चौहान उत्तर प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉलर थी। वो साउथ एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थी। आप देख पा रहे हैं उनके घर में सजे ये तमाम अवार्ड्स उनकी सफलता की कहानियों को बयां कर रहे हैं, लेकिन अब ये बड़ी खिलाड़ी हम सबके बीच नहीं रही। पूनम फिलहाल सिग्रा स्टेडियम में फुटबॉल की ट्रेनर थी और बीमारी से पहले राज्य की फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन डेंगू ने पूनम की जान ले ली। आप देख पा रहे हैं परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। पता नहीं ये सब, तो डॉक्टर ही जानता है सर कि कैसे घट रहे थे। वो कह रहे थे उसके ब्लड से शायद जो है कि वो डेंगू का असर ज्यादा हो गया था, और वो कह रही थी जो कि पापा अंतिम में बचा नहीं सका। मैं उसको कह रही थी पापा बचा लेंगे ना, हम कहा हम कहे तो तुम्हारे सेक्रेटरी सर आ गए हैं यहाँ जो है कि, और तुम घबराओ नहीं बेटा, सर का नाम लिए कि रविंद्र जायसवाल सर आ गए हैं, और सब ये हमने कह दिया कि पूरी जनता, पूरे फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी सब जहाँ से हैं बेतहाशा बेटा भागे, जितनी ब्लड चाहिए तुम्हें मिल जाएगा। कब वो हंस रही थी कि हमारे लिए इतने लोग तत्पर है सर, लेकिन मैं बचा नहीं पाया सर।